publish PARC, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. I Light Industry, AAC Blogs. Construct your dream home with quality products. भारतीय दलित पैंथर द्वारा 7 जनवरी को भीमा कोरेगांव विजय उत्सव मनाया जाएगा। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसोकल्याण सिटी के अंबेडकर चौक पर 7 जनवरी 2024 को भारतीय दलित पैंथर की ओर से भीमा कोरेगांव विजय उत्सव कार्यक्रम रखा गया है। के प्रचार पोस्टर और प्रचार गाड़ियों का उद्घाटन 3 जनवरी 2024 को अंबेडकर चौक पर तालुका पंचायत ईओ महादेव बेबलगे द्वारा किया गया। इस मौके पर CDPO गौतम, ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट नीलकंठ राठौड़, सीनियर कांग्रेस लीडर दिलीप शिंदे, दलित पैंथर प्रेसिडेंट रवि गायकवाड़ के अलावा और भी कई लोग मौजूद रहे। कांग्रेस लीडर बसव कल्याण, KPCC बीदल, आयुष्मान नागनाथ, बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय दलित पैंथर जिंदाबाद जिंदाबाद। चार पोस्टर इनॉग्रेशन के बाद भीमा कोरेगांव विजय उत्सव को लेकर दलित पैंथर प्रेसिडेंट रवि गायकवाड़ ने प्रेस मीट की। रवि गायकवाड़ ने प्रेस मीट कर 7 जनवरी 2024 को होने जा रहे भीमा कोरेगांव विजय उत्सव को लेकर बिहार के गिरी सिल्क एंड साड़ी ट्रेडर्स, डीलर्स इन स्टील, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, प्रशांत मोबाइल, ऑल आईफोन्स अवेलेबल उत्सव के बारे में बताया और इस कार्यक्रम में आने वाले गेस्ट और कार्यक्रम की जानकारी दी। लोगों से इस कार्यक्रम में आने और इसको सक्सेस करने की अपील की। इसके अलावा तालुका के ग्रामीण विभाग से आने वाले के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया है। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे से देर रात तक चलेगा। भीम गीत गाने वाले महाराष्ट्र के मशहूर सिंगर अश्विन निर्भवन आ रहे हैं। प्रेस मीट करने का मकसद ये है, 7 जनवरी 2024 को हर साल की तरह इस साल भी भारतीय दलित पैंथर की ओर से बड़े धूमधाम से ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव शौर्य दिन मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में हमारे कर्नाटक राज्य के मंत्री जी प्रियंक खरगे साहब और ग्वालियर कटपीस सेंटर, लिलियन और कॉटन कटपीस भी यहां पर मिलता है। कैलाश मोटर्स, दीपावली फेस्टिवल बम्पर ऑफर, साई मोबाइल, ऑल मोबाइल्स अवेलेबल हियर। और एक मंत्री SC महादेव अप्पा साहब इस कार्यक्रम को उपस्थित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटक प्रियंक खरगे जी साहब जी के हाथ से उद्घाटन हो रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में HC माधवपा साहब उपस्थित हो रहे हैं। साथ में हमारे बीदर जिला के मंत्री, उस्तवारी मंत्री ईश्वर खंडे जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और हमारे और एक बीदर जिले के मंत्री जी हमारे रहीम खान साहब भी इस कार्यक्रम में शिरकत हो रहे हैं और हमारे बीदर जिले के माजी मंत्री राजशेखर पाटिल साहब भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। बीदर जिले के MLC विजय सिंह साहब भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और कांग्रेस मुखंड धनराज ताड़मपल्ली जी, माला बी नारायण जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। इस भारतीय दलित पैंथर के राज्य अध्यक्ष मल्लप्पा हसमनी जी और बीदर जिले के मन्नान सेठ शाइन कॉलेज के फाउंडर और माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जनरल सेक्रेटरी हमारे मन्नान सेठ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। अच्छा, हमारे दलित लीडर हीरा नाटकर जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। तो ये तमाम लीडर्सगण इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाना और ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव बसव कल्याण में बहुत धूमधाम से होना बोल के इस कार्यक्रम को सबकी उपस्थिति है। अंतिम में बॉम्बे से आए हुए मशहूर गायक अश्विन निर्भवने जी जो स्टैचू इनोग्रेशन के दिन के से बाबा साहब के गीतों का जो ऑर्केस्ट्रा करे थे वो इस कार्यक्रम में अंत में उनका कार्यक्रम रखा गया है। तमाम बसव कल्याण तालुका के अवाम और हमारे पैंथर के तमाम कार्यकर्ताओं को और माता भगिनों को ये हम सूचित करते हैं इस कार्यक्रम का
पूरी तरीके से भारतीय दलित पैंथर के कार्यकर्ता व्यवस्था कर रहे हैं, आने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम भी कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छा बैठने की सुविधा, खाने पानी का इंतज़ाम, तमाम ये कार्यक्रम का हर्षोल्लास लेने का एक व्यवस्था हमारे तमाम बसों कल्याण दलित पैंथर के कार्यकर्ता यहाँ पर इंतज़ाम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम 5 से 6 बजे से चालू करने वाले हैं। ये जाहिर सभा का कार्यक्रम शायद 6 या 7 के अंदर चालू हो जाएगा और अंत में भीम गीता का कार्यक्रम, अंत में कार्यक्रम रखा गया है। पहले जाहिर सभा का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम अंबेडकर चौक में अंबेडकर स्टैचू के सामने मेन रोड के ऊपर, यहाँ पर जो अंबेडकर जयंती हर साल में मनाते हैं, भीमा कोरेगांव हर साल जहाँ पर बनाते हैं उसी जगह पर स्टेज रहेगा और अंबेडकर भवन में खाने का इंतज़ाम रहेगा।